पर आपको ऊष्मागत की या थर्मोडायनेमिक सिस्टम के या यूनिट के बारे में आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। दिस इज अवर न्यू यूनिट, ठीक है, ऊष्मागत की, जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। तो थर्मोडायनेमिक निकाय के बारे में हम करते हैं, किसी सीमा प्रश से घिरे ऐसे पदार्थ या वस्तु जिस पर ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है, ऊष्मागत की निकाय कहलाता है। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे हो तो मान लीजिए आप एक सिलेंडर ले लीजिए या एक बर्तन का पानी ले लीजिए, है ना, बर्तन में पानी ले लीजिए, पानी भरिए, उसको गैस में गर्म करिए, गर्म होगा और आसपास को भी इफेक्ट करेगा। ऐसे सारे होता सिस्टम मेरे पास क्या होगा, ऊष्मागत की निकाय के अंतर्गत शामिल होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जनरली सिलेंडर लेके चलता हूँ, सिलेंडर गैस वाला लेके चलता हूँ या साइकिल के पंप वाला, उसके ऊपर दाब लगाइए, ठीक, ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोल देते हैं, ऊष्मागतिकी सिस्टम बोल देते हैं। यहाँ पर आता मेरे पास ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम। यदि दो निकाय एक तीसरे निकाय के साथ अलग अलग तापीय साम्य होते हैं तो वे भी एक दूसरे के साथ तापीय साम्य होते हैं। देखिए, मान लीजिए ए और बी दो अलग अलग तापमान पर हैं, इनके बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता, लेकिन ए का सी के साथ, बी के सी के साथ हीट का एक्सचेंज हो सकता है। तो ये दोनों तापीय संतुलन में आएंगे, ये दोनों तापीय संतुलन में आएंगे। इसका मतलब है ए और बी भी तापीय संतुलन में चला जाता है। इस पूरे को मैं यहाँ पर ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमेशा याद रखिएगा, ऊष्मागतिकी चर, ऊष्मा गतिक चर, जनरली ये मेरे पास आ जाते हैं ताप, दाब, आयतन आदि, ये सब क्या कहलाते हैं, ऊष्मागतिकी चर कहलाने लगते हैं, ठीक है। और ऊष्मागतिकी चर में अपन लेके चलते हैं, तो मान लो ये पिस्टन है, पिस्टन के अंदर गैस भरी हुई है, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, जब मैं इसके ऊपर दाब लगाता हूँ तो दाब और आयतन चेंज होता है, और दाब और आयतन चेंज होने से ऊर्जा निकलती है, और ऊर्जा निकलने से कैसा होता है, कार्य होता है, और इसी कार्य को हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ऊष्मागतिकी नियम में किया हुआ कार्य, तो देखिए हमारे पास क्या हो गया, ऊष्मा गतिक की में गैस के प्रसार में किया गया कार्य। तो ऊष्मागतिकी के प्रसार में, गैस के प्रसार में किए हुए कार्य को हम कैलकुलेट करें। तो मान लीजिए ये आपके पास कैसा है, एक पिस्टन है या सिलेंडर है, इस सिलेंडर में क्या भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है, ठीक है, ये गैस है, अब मैंने इसको हीट दिया, ऊष्मा दी, तो इसका ये पिस्टन अपने आयतन को क्या करेगा, परिवर्तित करेगा, ठीक है। तो आयतन में यहाँ पर परिवर्तन हो जाएगा, तो ये आयतन यहाँ पर चेंज जो आयतन में आएगा वो डेल वी के मान के बराबर होगा। अब आप लोग एक चीज याद रख लीजिए, पी इंटू डेल वी, पी बराबर क्या होता है, दाब, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है, और आयतन क्या आता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अगर मैं डायमेंशनली देखूं,
अगर इसको देखूं जाता है तो मैं यहां पर क्या कर लेता हूं, माना गैस, ठीक है, गैसी सिस्टम को ऊष्मा देने पर, ऊष्मा देने पर आयतन में परिवर्तन डेल वी होता है तो किया गया कार्य, ये किया हुआ कार्य को मैं बहुत छोटा मान लेता हूँ, dW के बराबर मान लेता हूँ, किया जाता है P into dV, जैसे अभी मैंने आपको बताया P into डेल V बराबर कितने के आता है, कार्य के बराबर आ जाएगा। तो बहुत छोटे कार्य को मैं dV से शो कर देता हूँ, या इसको मैं यहाँ पर ऐसा भी कर देता हूँ, मान लीजिए अगर मैं इसको लेके चलूँ तो ये dV होता है, इसलिए आयतन यदि V1 से V2 परिवर्तित हो तो किया गया कार्य, तो किया हुआ कार्य टोटल निकालना, तो इंटीग्रेशन कर दीजिए, डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन पी इंटू डी वी, वी वन से वी टू, और ये कितना आएगा जीरो से डब्ल्यू, तो किए हुए कार्य का फॉर्मूला यहाँ पर बन जाता है डब्ल्यू माइनस जीरो इक्वल टू इंटीग्रेशन वी वन से वी टू पी इंटू डी वी के बराबर आता है। तो किया हुआ कार्य डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन वी वन से वी टू पी इंटू डी वी की वैल्यू के इक्वल आ जाता है, ये किया हुआ कार्य आता है, ये मेरे पास यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो जाता है। ध्यान रखिएगा हमारे पास यहाँ पर दो प्रकार के हम प्रक्रम लेके चलते हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, गैस की बात कर रहे हैं और गैस को हम ऊष्मा देते हैं, और ऊष्मा देते हैं तो हमारे पास दो प्रकार के हम प्रक्रम निकालते हैं, नंबर लिया जाता है समतापी प्रक्रम। यदि गैस को ऊष्मा दी जावे तो इस प्रक्रम में परिवर्तन इस प्रकार हो कि तापमान ऊष्मा दी जावे इस प्रक्रम में, या इसको हम ऐसा कर लेते हैं अवस्था परिवर्तन में, अवस्था परिवर्तन इस प्रकार हो कि तापमान स्थिर बना रहे तो इसे सम
तापी कहते हैं। जिससे हमारे पास क्या हो गया, उदाहरण 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ का 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में परिवर्तित होना। तो देखिए अवस्था परिवर्तन हो रहा है, कहाँ से, ठोस से द्रव में, लेकिन तापमान कैसा है, 0 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहा है, इसलिए हम इस प्रक्रम को हम क्या बोल देते हैं, संप्राकी तापी प्रक्रम बोल देते हैं। यह धीमी प्रक्रिया होती है, धीमी प्रक्रिया होती है और गैस बॉयल के नियम का पालन करती है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, समतापी प्रक्रम बोल देते हैं। ठीक है, दूसरा हो जाता है रुद्रोष प्रक्रम। यदि किसी भौतिक निकाय की अवस्था में परिवर्तन इस प्रकार किया जावे कि कुल ऊर्जा का मान स्थिर रहे, अर्थात Q=2 अचर या ΔQ=0 उसे रुद्रोष्म प्रक्रम कहते हैं। उदाहरण टायर का भस्म होना। अगर कोई प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है और इतना टाइम नहीं मिलता है कि ऊष्मा का आदान प्रदान हो सके, तो इस प्रक्रम को हम क्या बोल देते हैं, रुद्रोष्म प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए।